तो इंटर स्टार सबसे पहला पेपर आता है हमारे इंटर के एग्जाम्स में वो है अकाउंट्स का और अकाउंट्स के पेपर में अगर हम ले आए लेकिन यानी 60 प्लस मार्क्स तो भाई साहब ग्रुप वन हमारा हो जाता है शॉर्ट तो तीन ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और यही तीन बातों को मैंने भी ध्यान में रखा था ट्रस्ट मी उसी से मेरे 70 प्लस आ गए थे तीनों बातों को एकदम अच्छे से डिस्कस करते हैं सर वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा लाइक करके लाइक टारगेट रखते फोर हंड्रेड लाइक्स पर मुझे पूरा विश्वास है आप अचीव करा देंगे तो स्टार्ट करते हैं सर वीडियो का विदाउट मच अ डू एंड अंडरस्टैंड करते क्या क्या बातें ध्यान रखनी है सबसे पहले तो भाई साहब आपने ध्यान रखना है कि आपने ना रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करो रिटर्न प्रैक्टिस का क्या मतलब है सारे क्वेश्चंस को रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करना जो सिर्फ मार्क्ड क्वेश्चंस है ना अगर आपने कोई पूरा का पूरा क्वेश्चन ही मार्क कर रखा है तो उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करके चलनी है या फिर क्वेश्चन में कोई ऐसी एडजस्टमेंट है जिसने आपको पहले दुख दिया है दर्द दिया है तो मैंने कहा वो दर्द वापिस सहना है वही दर्द वापस देना है मैंने कहा वो करेला वापस खाना है अगर करेला खाने की घर पे आदर डाल लोगे तो एग्जाम में मीठा मीठा लगेगा तो मेक श्योर यू आर डूइंग एडजस्टमेंट डूंगली भली आपसे अभी भी ना हो तो ये नहीं कि घबरा के गिव अप कर दो ना गिव अप करना तो भाई साहब हमने सीखा ही नहीं है तो मेरे साथ जुड़े हो तो बोलो गिव अप करना तो हमने सीखा ही नहीं है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो मैंने कहा सबसे बढ़िया तरीके से उसको एकदम बढ़िया से एडजस्टमेंट को सीखेंगे वापिस समझेंगे और वापिस उसको करेंगे बट उसी सेटिस्फेक्शन मिलेगी जब तक खुद करोगे ठीक है सर दूसरी चीज

प्रॉपर नींद लेनी है आपने अभी ये जो चार पांच दिन है इसमें आप प्रॉपर स्लीप लेके चलो कम से कम सात से आठ घंटे की क्योंकि अभी अकाउंट्स के पेपर में तो पांच दिन मिले लॉ के पेपर में कैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे सर उसके बाद जो आपका टैक्स और कॉस्टिंग आएंगे उसमें टाइम कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा तो अभी अगर प्रॉपर स्लीप लेके चलोगे तो आपका काम बढ़िया बन जाएगा एनर्जी अच्छी रहेगी थ्रू आउट दिस एग्जाम प्रोसेस क्या ये बात समझ आती है प्लस हाँ जो भी आप खाना खा रहे हो जितना हो सके लाइट खाना खाओ और फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे खाओ फोकस मोर ऑन मोर ऑन है जो आपको एनर्जी भरके देगा जो आपको जिंदा रखेगा मजे में रखेगा थ्रू आउट द डे एंड द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इज डोंट रन आफ्टर एनीथिंग न्यू फोमो में आके ये फोमो में आके यार मेरा ये टॉपिक अभी तक नहीं हुआ तो अब कर लू क्या तो बेमतलब में ऐसी चीजों के पीछे मत भागना जब तक आपकी जो पहले करी हुई चीजें वो अच्छे से नहीं हो जाती मैं एक चीज में बिलीव करता हूं एंड प्लीज आप भी उसमें जितना हो सके बिलीव करने की कोशिश कर सकते हो वो ये है कि अगर आपने सेवेंटी टू एट्टी भी क्वालिटी से कवर कर रखा है इट इज बेटर देन हंड्रेड परसेंट कवरेज तो दोस्तों ये पहला पेपर है मेक श्योर sure आप ये तीनों चीजों को ध्यान में रख के चल रहे हो कई ज्यादा स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं अकाउंट्स के साथ थोड़ी थोड़ी लॉ भी पढ़ के चलते हैं तो अगर आपकी अकाउंट्स की तैयारी बहुत अच्छी है धुआंधार है शानदार है तो आप थोड़ा लॉ भी साथ साथ कवर कर सकते हो तो आपका जो लॉ का डेट देना है उसके लिए आपको एक हल्का ही आ जाएगी बट मैं एक बात बोलता हूं आप इंटर का पहल, पेपर पहली बार देने जाओगे अकाउंट्स का पेपर पहली बार रहकर ना तो थोड़ी मन में ना टेंशन रहती है स्ट्रेस रहती है दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल आपने बस उसको चैनलाइज करना है चैनलाइज किस में रोज सुबह टाइम से उठने में रोज अपने ये सम्स प्रैक्टिस करने में और ट्रस्ट में आपके रिजल्ट एकदम बढ़िया आएंगे बट मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ रहे हो अच्छे से चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो जब प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कॉन्फिडेंस आएगा तो आप बढ़िया परफॉर्म करोगे बढ़िया परफॉर्म करोगे तो रिजल्ट भी एकदम बढ़िया ही आएंगे सो मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट यू आर गिविंग योर हंड्रेड परसेंट दिस इज योर फर्स्ट पेपर मेक इट काउंट फर्स्ट पेपर फर्स्ट शॉर्ट प्लेट वेल भाई साहब एकदम जैसे कहते हैं ना स्टेडियम के बाहर स्टेडियम के बाहर बॉल को पहुंचा दो तो मजा आ जाए ठीक है सो so, इंटर का पहला विवर है धूम मचा दो एंड आई एम श्योर यू विल डू वेल यू ही अपनी चेहरे पे इसी तरह से स्माइल बना के रखना क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे तो so, सारे बच्चे मुझे कमिटमेंट करेंगे कि दीज फाइव डेज वी विल गिव आर बेस्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड एम श्योर यू विल रॉकेट अ ग्रेट डे अड